एक तो घट स्थापना 22 तारीख को ही है, तो हमारे पंडित जी लोग अकेले ये सब पॉसिबल नहीं होता है, मेरा टीम है, पंडित जी हैं और बाकी लोग भी सहायक करता हैं, तो वो 22 तारीख हो जाएंगे, है ना। और 22 22 तारीख को हवन भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो यहाँ आ रहे हो, अपना जप कर लिया, दशमांश हवन कर लिया, अपना जप कर लिया, दशमांश पकड़ लो, आज दिन भर में 10,000 का नवान्न हो गया, तो 1,000 का जप आपको समापन करना है, दिन भर रात भर हवन चलता रहेगा। तो उसमें जो भी घी का खर्चा है वो आप घी लेके आओ, या फिर यहाँ से घी ले लो, या घी खरीद लो। ऐसे ही साकल्य लगेगा पर डे का, पकड़ लो 3 किलो 4 किलो साकल्य, 100 150 रुपये, 200 300 500 रुपया जो भी किलो है उसका, उसको डालना है। जवधान तिल अगर मिल जाए तो लौंग ले लेके आना है, उसको लगा के अपना मंत्र करते करते मुख्यतः 9 दिन कंटिन्यू टेंटेटिवली हवन ही हवन, हवन ही हवन, 9 दिन तक अखंड हवन का बात विचार किया जा रहा है, पूरे नवान्न मंत्र के साथ। ओके, तो आप ये सोच के आना है कि मेरे को 9 दिन, अभी यहाँ का टेम्परेचर चल रहा है 35 डिग्री टेम्परेचर, मार्च का महीना धूप है, मार्च का महीना धूप है, अब आपको उसमें आग के पास बैठना है, ये समझ के आना। यहाँ आराम ढूंढोगे नहीं मिलेगा, भूमि शयन है, खटिया उटिया मिलेगा नहीं मेरे आश्रम में, एक दो खटिया है वो फिर बूढ़ा बूढ़ी लोगों के लिए रखा गया है, जो उम्रदार हो गए, बुजुर्ग हो गए उनके लिए है। बाकी रह गया कि आपको उपवास फास्टिंग, तो फास्टिंग में जो लोग फास्टिंग कर सकते हैं 9 दिन फास्टिंग करें, जो लोग फलाहार कर सकते हैं वो फलाहार करें, जो लोग जलाहारी वाले हैं वो जलाहार करें, जो लोग फास्टिंग नहीं रह सकते, जैसे आप बोल रहे हो कि फास्टिंग नहीं रह सकते, तो आप लोगों के लिए या तो वो उपवास में जो भी प्रसाद वगैरह निकलेगा वो प्रसाद खा के रहो। तीसरा ये है कि हम लोग का उड़ीसा में चलता है एक टाइम अरुआ चावल का अन्न भोग और खिचड़ी, वो भी खा के लोग करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट साधक है राजसिक साधक, वो लोग तो 50 54 पकवान खाते हैं और फिर नवरात्र करते हैं, उसमें तो पूड़ी सब्जी और जितने सारे माता रानी को 56 भोग लगता है ना, वो सारे मस्त पकवान खाएंगे, हवन करेंगे, जाप करेंगे, पाठ करेंगे, चंडी पाठ करेंगे, अलग अलग विधान है। माँ कभी नहीं बोलती है भूखे रह के साधना करो, माँ देखे पेटो मतलब पेट देखती है माँ, और बीबी देखे नोटो मतलब पैसा, ठीक है ना। तो माता रानी का पाठ है इसमें, इन नियमों को स्पेशली खाने पीने का टेंशन मत लो, और वो रिलायबल है, मैं रिलायबल कराता हूँ, मेरा कोशिश ये रहता है कि आप टारगेट मंत्र पार करो 9 दिन के अंदर, 27,000 मंत्र मिनिमम से लेके 51,000 125,000 तक का मंत्र रगड़ना है, जाप करना है, और उसका दशमांश दशमांश हवन, इसमें ना मैं आपको दक्षिणा क्लेम कर रहा हूँ, ना कह रहा हूँ कि आप पैसा इतना लेके आ जाओ फिर जाके सब कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा मेरे तरफ से कुछ भी नहीं है। आप अपना हवन करोगे, आप अपने जाप करोगे, आप अपना वहाँ 9 दिन रहोगे, जाने के समय में इलेक्ट्रिक बिल पानी बिल जो भी देना है डब्बा है कोई नहीं मांगेगा आपको, नहीं दोगे तो भी कोई नहीं मांगेगा आपको, और ये सारा चीज़ मेरे तत्वावधान में होगा। साथ में मेरा जो टाइम पीरियड रहेगा, मेरा खुद का चंडी पाठ रहता है, खुद का जप रहता है, तो वहाँ मैं बैठ के प्रवचन देने वाला नहीं हूँ, या मैं आपको बहुत समय देने वाला भी नहीं हूँ, मैं गाइड करूँगा, शाम का समय मेरा अपियरेंस रहेगा, जिस समय भजन कीर्तन गाना बजाना नाच तमसा होगा, बाजा उजा बजाएंगे नाचेंगे, माता रानी को धूप दीप दिखाएंगे, आरती करेंगे, वो समय मैं आपका आप लोगों के साथ रहूँगा। बाकी खुद का मेरा 9 चंडी पाठ है, मैं अपने पर्सनल करता हूँ, उस समय आप साइड में आके बैठ सकते हो, लेकिन आपका जब डिस्टर्ब होगा, चंडी पाठ भी सुनो, चंडी पाठ में भी भाग लो और हवन भी करो। ये मुख्यतः पूरा पूरा हम लोगों का 9 दिन का पूरा कार्यक्रम रहेगा, ठीक है। और क्योंकि मेरा तारापीठ का यात्रा है, कुछ यही लग्न है, यही समय, यही मुहूर्त मिल रहा है ये काम करने के लिए, फिर अभी 3 साल के लिए तारापीठ का काम के लिए मुहूर्त नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो बहुत बढ़िया मुहूर्त नहीं मिलने वाला है ये है, और लोगों का कुछ कल्याण करना है इसलिए मैं निकल रहा हूँ, तो वो मेरे को आने में 1 दिन का डिले होगा, और उसमें हमारे पंडित जी लोग घट स्थापना संकल्प आप लोगों का काम कराएंगे, मैं 23 तारीख को सुबह पहुंच जाऊंगा,
22 तारीख को रात को वहाँ से मैं 23 तारीख सुबह यहाँ पहुँच जाऊँगा, तो वो मेरे एब्सेंट में इस बार का घटस्थापना हो रहा है। साफ बोल रहा हूँ, छुपाना उपाना ठगना कुछ नहीं है, और फिर मैं 23 तारीख से आप लोगों के साथ जुड़ जाऊँगा। लेकिन वो 22 तारीख भी कलकत्ता में मैं वहाँ बैठ के भी चंडी पाठ करूँगा, उसका भी व्यवस्था वहाँ पर है, यानी मेरा खंडित नहीं हो रहा है, 9 का 9 पाठ हो रहा है मेरा, ठीक है। हाँ, तो वो बंद नहीं हो रहा है। हाँ, माला लाओगे, नहीं तो यहाँ से मंत्र अभिषिक्त आपके माला को न्यास करके आपको पकड़ा दिया जाएगा, कोई चिंता का बात नहीं है, हमारे पंडित जी कर लेंगे या तो मैं कर लूँगा, ठीक है। लेकिन जिस दिन से उतरा उस दिन 9 दिन आपको रेस्ट नहीं मिलने वाला है, बहुत मेहनत है यहाँ आना, और यहाँ पर खटाई है 9 दिन का। इस मानसिकता में आओ कि लड़ना है, भिड़ना है, काम करना है, मेहनत करना है, तपस्या करना है, जरूरत पड़े तो एक टांग में खड़ा होके भी जब माला पकड़ के हवन करना पड़ेगा। प्रचंड तपस्या का खेल है इस नवरात्र में, ठीक है ना। और स्पेशल मकरू लोगों को तो छोड़ नहीं रहा हूँ, मकरू लोगों को रगड़ दूंगा पूरा एकदम 9 दिन तक। इस मानसिकता में आओ, ठीक है। छोड़ दो, बच्चे लोगों को फोर्स मत करो, बच्चे लोगों के लिए अभी जरूरत भी नहीं है। बच्चे लोगों को माता सरस्वती का साधना देना चाहिए, अच्छा पढ़ाई के लिए, अच्छा करियर के लिए, उससे ज्यादा बच्चों को नहीं चाहिए। अच्छा, ओके, तो फिर बड़ो फिर तो उसको साधना करना ही चाहिए। अगर जीवन पे असफलता है, फेल्योर है, सफलता नहीं मिल रहा है, समस्या में पीड़ित है, तो फिर नवरात्र का साधना, तो इसमें एक ही नवरात्र का साधना मैं देखा हूँ लोगों को अच्छा रिजल्ट करते हुए, अच्छे समाधान देते हुए, तो उसमें कोई विषय बिंदु नहीं है। ओके, तो फिर बता के ही लाना है, झूठ नहीं बोलना है। जी, राम राम।